प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक जो है वो जारी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी, उसके बाद से अब लगातार जो राजनीतिक गलियारा है वो काफ़ी हलचलों भरा दिखाई दे रहा है। लगातार जो बयानबाजियां हैं वो चल रही हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कल ही ट्वीट करके ये बता दिया था और ये कह दिया था कि अब क्यों रामगोपाल यादव खुद आकर के कार्यकर्ताओं की बात मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। उस वक्त वो कहाँ गए थे जब आजम खान, शर्जिल इस्लाम जैसे नेताओं के ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। तो कुल मिलाकर के जो परिवार की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अब सबके सामने जग जाहिर हो रही है और लगातार अब जो बयानबाजियाँ हैं वो इस पर काफ़ी तेज़ हैं। सुभाषपा ने पहले ही कह दिया था कि जब हम मुलाकात करने जाते हैं तो उसके मायने कुछ और निकालने जाते हैं। अब इन्होंने जो मुलाकात करी है उसके मायनों के बारे में भी ज़रा बताया जाए, कौन सी डीलिंग करने के लिए गए थे। इन सबके बीच रामगोपाल यादव ने आज अपना बयान भी जारी किया है। दिल्ली में सत्र के बाद उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि अगर विपक्ष और सरकार के लोग आपस में मुलाकात नहीं करेंगे तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं की बात करने के लिए गया था, उनके साथ जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, जो उनके साथ समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए गया था और इसका मतलब कुछ और ही निकाला जा रहा है। लगातार ये जो बयान है वो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं और कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है जहाँ समाजवादी पार्टी घिरी हुई है, एक दूसरा मुद्दा भी है जहाँ पर समाजवादी पार्टी घिरी हुई है और वो ये है कि विधान परिषद में उन्होंने एक आदिवासी चेहरे को उतार करके ये कहा था कि हम इस बार विधान परिषद में आदिवासी महिला को जीत दिलाएंगे। कहीं ना कहीं ये उस चेहरे से मिलता जुलता चेहरा था जो कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के पहले उतारा गया था। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जी इस वक्त हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब इसी पिच पर खेलने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव खुद ही क्लीन बोल्ड हो गए, खुद ही हिट विकेट हो गए। क्योंकि जिस प्रत्याशी को इन लोगों ने विधान परिषद भेजने का रास्ता बनाया था, दरअसल उस प्रत्याशी के प्रस्तावक अखिलेश यादव और उनके साथ 9 अन्य नेताओं ने ये देखना सही नहीं समझा कि जिसको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, कीर्ति कोल को, उसकी उम्र क्या है। विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, लेकिन कीर्ति कोल जो पर्चा भरी थी और जो एफिडेविट जमा करी थी उसमें साफ तौर पर उन्होंने दर्शाया था कि उम्र उनकी सिर्फ 28 साल है। तो एक बड़ा कदम जो था वो समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से चला जरूर गया था राजनीतिक में और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि एनडीए ने आदिवासी चेहरा, दलित शोषित चेहरा बता करके राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया तो विधान परिषद का चुनाव हम भी जीत जाएंगे। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही उनके अपने सिपाहियों ने ही अखिलेश यादव की लुटिया डुबो दी है और अब उसको लेकर के भी लगातार जो बयान है वो सबके सामने आ रहे हैं। दूसरे दूसरे राजनीतिक दलों के नेता, सत्ता दल के नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक महिला के साथ मजाक किया है, एक वर्ग के साथ मजाक किया है और अखिलेश यादव को अब सोचना पड़ेगा कि उनके आसपास के लोग, उनके अपने नेता किस दिमाग से काम कर रहे हैं कि उन्होंने ये भी देखना सही नहीं समझा कि जिस पर्चे पर अखिलेश यादव खुद प्रस्तावक हैं दरअसल उस प्रत्याशी की उम्र क्या है। फिलहाल ये दोनों ही मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बहुत ज़्यादा गर्म है। लगातार बयान जो है इन मुद्दों पर आ रहे हैं और जो लड़ाई है वो अब तेज़ हो गई है। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। मुलाकात भी बंद हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है मीडिया उसको दूसरा कलर देने लगता है। लेकिन जो मुझे जानते हैं, चाहे दिन रात मीडिया कहे, हमारे लोगों पे तो कोई असर पड़ने वाला है, दे नो कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज़ हमें न झुका सकती है न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरत कर सकती है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, जुल्म हो रहा है। भाजपा की सरकार लगातार जुल्म और अन्याय कर रही है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय रामगोपाल यादव जी मिलने के लिए गए, तो ये कोई जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने आना
गलत नहीं है, सही था उनका मिला जाना। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बढ़ती हुई विश्वसनीयता का परिचायक है कि विरोधी दल के बड़े बड़े आलम्बरदार भी उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आ रहे हैं। यह योगी जी की विश्वसनीयता का सकारात्मक परिणाम है। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ती है, और उनकी जो गंभीरतापन है माननीय अखिलेश यादव जी का, यह उजागर हो गया है। ये गए थे आदिवासियों का हितैषी बनने के लिए, ये आदिवासियों का वोट लेने के फिराक में एक नई ड्रामा करने जा रहे थे, और ड्रामा करने से पहले ही पोल खुल गई। अब तो माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तो सवाल उठ रहा है कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो उसको न पता हो कि MLC के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो पूरे प्रदेश के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग बहुत गंभीर नहीं है किसी चीज़ के लिए, और जो इनका मनसा था वो मनसा इनके विपरीत चला गया। विषय पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन चौबे जी मेरे साथ BJP से जुड़े हुए हैं, तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सुनील अरकवंशी जी हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, और मोहम्मद इखलाक हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हैं। सभी मेहमान का आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। तारिक भाई, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। राम गोपाल और शिवपाल के बीच अब तनातनी शुरू हो गई है, उन्होंने मुलाकात कर ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, शिवपाल जी नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आदमी की आवाज़ बनने के लिए क्यों गए थे, इसके पहले भी काफ़ी लोगों के साथ अन्याय अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है, तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई। मतलब कुल मिलाकर कि ये जो घर की लड़ाई थी अब सबके सामने आ गई है, क्या कहना है? हेलो जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। दोनों लोगों के डिफरेंसेस आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। हाँ बिल्कुल। खैर फिर भी वो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। खैर फिर भी जो मामला लेकर राम गोपाल साहब गए थे, वो ये कहने गए थे कि CBI की जांच करा दीजिए। 3 बार का एक विधायक है जो यादव साहब है, रामेश्वर यादव साहब, जो 3 बार विधायक रहे, शिवपाल के साथ वो रिटेन्योर में भी विधायक शिवपाल साहब, तो उसकी जांच करा लीजिए, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष एटा का समाजवादी 6 जिला पंचायत जीती थी, जिसमें ये भी उसी टाइम पे इनके परिवार के 5-6 जिला पंचायत सदस्य उनके खिलाफ भी मुकदमे हैं, और इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे लिखे हैं। उसी बात को लेकर गए थे, जब समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं खड़ी होती है तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी गायब है, अब आ रही है कार्यकर्ता की बात लेकर, तो उसको दूसरे चश्मे से, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाता, दिखाने की कोशिश की जाती है। पहले सवाल समाजवादी पार्टी पे यह उठाया जाता है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा कोई कुछ नहीं है, तब जब दूसरे नेता सामने आते हैं उस पर भी सवाल उठाया जाता है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, समाजवादी के ऊपर सारे सवाल उठाए जाए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। राम गोपाल यादव साहब ने उनकी पैरवी नहीं की, सिर्फ इतनी बात कही है कि आप उसकी CBI से, अरकवंशी जी का ऑडियो नहीं उन्हें मिल रहा है, प्लीज सही किया जाए। हाँ, तारिक भाई, CBI जांच करा लीजिए। CBI जांच करा लीजिए, कहीं ये मामला कुछ अधिकारियों से प्रेरित तो नहीं है। जैसे बड़े जबरदस्त गौतम साहब अधिकारी थे, फर्जी एनकाउंटर में फंसे, नहीं फंसे रामपुर के, उसके बाद अभी 3-3 कमिश्नर का ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट SP जो IPS है हमारे। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये आशंका जताई है कि ये किसी और चीज से प्रेरित तो नहीं है, इसलिए और मुख्यमंत्री से ना कहा जाए। नहीं तो ये शिवपाल जी क्यों कह रहे हैं कि भाई आप आजम खान और शर्जिल इस्लाम के मामले में नहीं आए? मैं देखिए भाई जी, इम्पोर्टेंट सवाल तो है, सवाल तो है, मैं मान लेता हूँ सवाल। चलिए, आपने माना, लेकिन मैं इस पे एक चीज और उठा रहा हूँ कि ये सवाल उठा कौन रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठा है, अच्छा, उसके द्वारा प्रायोजित शब्दों से अपना अपनी बातों को कह रहा है, वो ये सवाल उठा रहा है। आजम खान की चिंता आपको हो रही है, आपको इन लोगों की चिंता हो रही है, आज हो रही है ना, तो जब शिवपाल साहब भी तो समाजवादी का ही हिस्सा थे, अभी तो अलग हुए हैं, कितनी बार मिलने गए, आपने क्या बात की थी योगी साहब से आजम खान साहब को लेकर, आप तो अपनी ही बात करने गए होंगे। मैं कह रहा हूँ सवाल कौन उठा रहा है ये भी देखिए, ठीक है,
मैं मानता हूँ आपकी बात, सवाल नहीं उठा सकते, सवाल जायज है, मतलब शिवपाल जी सवाल नहीं उठा, उठाए बिल्कुल उठाए, नहीं बिल्कुल उठाए, मगर इसका भी जवाब दे जो उसके उनके सवाल। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है तारिक भाई, आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। पहले वो कह रहे थे कि कौन सी डील करने गए थे वो बता दें, अब वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक महिला का सम्मान नहीं रखा, एक आदिवासी महिला का मजाक बनाया है। देखिए एक जमाने के बाद जितने भी मुद्दे समाजवादी के खिलाफ उठाए थे उसमें एक जेन्युइन मुद्दा है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो ये एमएलसी कैंडिडेट वाला मामला हुआ इसका रीजन क्या है, लेकिन मैं पर्सनली इसको आप आदिवासी महिला से जोड़ के नहीं देखिए, ये क्यों हुआ कैसे हुआ इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन वाकई में ये गंभीर मुद्दा है जो हमारे खिलाफ बनता है, मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट क्या इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, अनजाने में हुआ, क्योंकि विधानसभा की उम्र है वो 25 साल है लड़ने की, तो उसी चक्कर में, लेकिन फिर वहां पर भी हम सही सवाल बनेगा कि बड़े बड़े एमएलसी और नौ नौ जी मैं कह रहा हूँ इतने विधायक प्रस्तावक थे तो ये गलती कैसे हो गई, मगर गलती तो हुई है और गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक गलती हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं उस गलती को और गलती नहीं होनी। ठीक है तारिक भाई, मैं आऊंगा आपके पास, एक लाख खान हमारे साथ प्रसभा से हैं। एक लाख भाई, तारिक भाई की आपने बात सुन ली, वो कह रहे हैं कि जो खुद बीजेपी की गोद में जाकर के बैठा वो क्यों इस तरह के सवाल पूछ रहा है। तारिक भाई के बारे में मैं क्या बताऊं, इन्होंने पहले जब हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव साहब जाते थे तब ये कहते थे कि मुख्यमंत्री जी से क्यों मिलने जा रहे हैं आप, तब यही आपको कह रहा हूँ, आवाज मिल रही है अरकुंशी जी आपको, चलिए हाँ एक लाख। तब यही तारिक भाई आपके चैनल पे बैठ के सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे उस वक्त, क्यों गए मुख्यमंत्री जी से मिलने, तब मैंने ही आपसे कहा था, इनसे भी कहा था कि देखिए वो कोई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं इस वक्त, और कोई भी जो विधायक हो या आम आदमी भी हो, जैसे माननीय शिवपाल साहब गए थे तो अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर गए थे, और अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आजम खान साहब की लड़ाई किसने लड़ी, अरे तो आप बता दीजिए भाई साहब आजम खान साहब की लड़ाई किसने लड़ी, क्या आपके नेता ने लड़ी, क्या आपकी पार्टी ने लड़ी, कि आपके कार्यकर्ता ने लड़ी, कि हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव साहब ने लड़ी ये। और ये एक चीज, ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये अंदर की बात बहुत अच्छे से जान लेते हैं, जैसे नेताजी ने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया, तो जब आदरणीय शिवपाल साहब मुख्यमंत्री जी से मिलते थे तो इन्होंने तब भी देख लिया था कि आदरणीय शिवपाल साहब क्या बात कर रहे थे, ये इन्होंने देखा। भाई साहब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब जेल के अंदर भी कई बार मिलने गए, हमेशा आवाज उठाते रहे, जब बकरी चोरी के इल्जाम आदरणीय आजम खान साहब पे लगे तो सबसे पहले सवाल किसी ने उठाया तो शिवपाल साहब ने उठाया, तब समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी। तारिक भाई जवाब दे, जवाब ले लीजिए, तब ये समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी। और इन्होंने एक बात कही, आ रहा हूं तारिक भाई सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। रिहाई के वक्त भी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब गए, हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी, और इन्होंने जैसा कहा प्रोफेसर साहब के बारे में, इन्होंने कहा कि उन्होंने लेटर जारी किया कि वो उनके पुराने नेता हैं, उनके ऊपर जांच चल रही पुलिस द्वारा या कुछ गलत किया जा रहा है, तो इनकी ही पार्टी ने एक लेटर जारी किया था रात में कि प्रोफेसर साहब तो मुसलमानों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने गए थे, तो उसमें कौन से मुसलमान और कौन से पिछले की लड़ाई लड़ने गए थे जरा बता दे। जवाब ले लें, जवाब ले लें, तारिक खान जवाब दीजिए क्या कह रहे हैं। आजम खान साहब अभी कहां है समाजवादी, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब भी तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये भी तो आप मत भूलिए, साइकिल से है विधायक, तो साइकिल से ही तो है ना, आप देखिए निकाल दीजिए, आप निकाल दीजिए, नितिन भाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। हाँ देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप आजम खान साहब को ले जाइए ना, शिवपाल सिंह साहब अपने साथ नई पार्टी बना ले, चैलेंज कर रहा हूँ मैं, आजम खान साहब ने कहा कि वो राम मनोहर लोहिया और जेपी साहब की विचारधारा से हटने वाले नहीं, आपके पास कौन बचेगा, अरे चले ले जाए, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, आजम खान साहब कहीं नहीं जाने वाले, समाजवादी में ही रहे, ठीक है, आप इतने बड़े राजभर को भी कहते थे कहीं नहीं जाएंगे, वो भी तो चले गए, नहीं वो बात ठीक है, पहले आजम खान साहब पे तो जवाब, तो आप बार बार आजम खान साहब की बात करते हैं, ज्वाइन करा लीजिए आजम खान साहब को ना, मैं तो बोल रहा हूँ कहाँ है आजम खान, किस पार्टी में, सबके दिल की बात, समाजवादी पार्टी में है आजम खान भाई, अब आप बार बार ये कहेंगे कि आजम खान नाराज है, तो घर है नाराजगी होती, आजम खान साहब पहली बार तो नाराज नहीं हुए समाजवादी, वो तो नेताजी से नाराज हो जाते थे,
मेरे पिताजी 90 के दशक के समाजवादी के नेता हैं, वो बताते थे कि नेताजी के सामने कई बार कागज ऐसे फेंक के चले गए, ये आजम खान साहब का नेचर रहा है, उन्होंने खुद मुझसे बताया, वो भी मौजूद रहे वहां। तो मैं कह रहा हूँ ये बात कि आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी में, पहले ये हो रहा था कि आजम खान साहब नाराज है, अभी वो हमारे साथ है, समाजवादी का हिस्सा है, जो उनके मतभेद थे वो है या खत्म हो गए वो अलग की बात है। आपको बहुत चिंता है आजम खान साहब की, आपकी बहुत बाउंडिंग है, नहीं तो आपको आपको आपके आपको, साथ चले गए। मैं ये कह रहा हूँ आपको यूपी की पुलिसिंग पर भरोसा क्यों नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं कि दूसरी एजेंसियों से जांच कराई जाए? देखिए बता रहा हूँ, उसको भी बता रहा हूँ। देखिए कई बार जो लोकल के डीएम होते हैं, आजम खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, जो बकरी मुर्गी किताब चोरी और इन सब चीजों के जो मुकदमे लिखे गए, उसका आरोप डायरेक्टली वहां के डीएम पे आया। राम गोपाल साहब से मुझे क्लियर नहीं पता, मगर वो यही बात कहने गए होंगे कि कहीं जो लोकल के जो अधिकारी हैं वो तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, आप जो विश्वसनीय एजेंसी है उससे जांच करा लीजिए। तो क्या जो ये दो लोग के बाद जो शिवपाल राम गोपाल साहब ने की वो समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं थे? क्या उन्होंने समाजवादी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया? बढ़ाया, ठीक है, तो उन्हीं की बात रखने गए। मैं आऊंगा। सुनील अर्कवंशी हमारे साथ सुबह सुनील जी, ये तारिक खान समाजवादी पार्टी से हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोग खुद भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए वो हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, हम तो कार्यकर्ताओं के जवान बन के गए थे। देखिए नितिन जी, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी और माननीय श्री राम गोपाल यादव जी, अब ये बताए ना कि अभी तक हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, माननीय शिवपाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं, भाजपा हमको ऑपरेट कर रही है, मगर अब ये बताएं हमारे अंदर भाजपा का भूत आ गया है। यहां तक ये भी बात कहा कि झाड़ फूक कराने की जरूरत है माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर। अब माननीय अखिलेश यादव जी ये बताएं कि रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से आप जाने का काम करते हैं, तो अब ये बताइए कि हमारे अंदर जो आत्मा बीजेपी की थी, भूत था बीजेपी का, तो क्या माननीय रामगोपाल यादव जी के अंदर समा गया? तो अब ये बताएं क्या माननीय अखिलेश यादव जी, क्या माननीय रामगोपाल यादव जी के ऊपर झाड़ फूक कराने का काम करेंगे? नंबर एक बात, ठीक है। दूसरी बात, हमारे नेता जब भी मिलने गए जनता की बातों को लेकर और दिन के उजाले में मिलने गए, और उनकी एक ही मांग थी, उत्तर प्रदेश की सरकार में जब वो मंत्री थे तब भी उन्होंने कहा कि पिछड़े दलित समाज के लोगों को जो न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी है उस रिपोर्ट को लागू करने का काम किया जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा कैसे बेहतर हो, वो शिक्षा का सुधार हो, उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी हो, इन मांगों को लेकर हम लगातार जाने का काम करते थे और मिलने का काम करते थे, क्योंकि वो विधायक भी हैं क्षेत्र के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधायक है क्षेत्र के, जनता ने उनको चुन के भेजने का काम किया नितिन जी, तो जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? माननीय राम गोपाल यादव जी गए, हम इसका विरोध नहीं करते, अच्छी बात है, मगर उन्होंने जाने के बाद लेटर क्या जारी किया, वो किसके लिए गए थे मिलने? अच्छा एक सवाल मेरा आपसे, ये अभी एक पर्चा खारिज हुआ है उसमें प्रस्तावक थे अखिलेश यादव, उसको लेकर के भी आप लोग बड़ा सवाल वाल कर रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए ना, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको ये भी नहीं हुआ जो आपके 10 लोग थे प्रस्तावक थे उन लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि इसमें आयु सीमा 30 वर्ष होती है? आपने पर्चा भराने का काम किया, आपने उस बहन का, आदिवासी बहन का अपमान करने का काम किया, उसको सम्मान दिलाने का काम नहीं किया, आपके अंदर इतनी विरोध, इतना आ गया विरोध कि आप कुछ भी नहीं देखते हैं, आप पर्चा भराकर सिर्फ अपमान करने का काम किया, आप उसको जिताने के लिए नहीं ले गए थे, आप सिर्फ अपने विरोध में उसको खड़ा करने का काम कर दिया और उसका नतीजा क्या निकला? ठीक, फिर समाजवादी पार्टी बेहतर जान रही है। ठीक सुनील जी, मैं आऊंगा, तारिक खान जवाब दीजिए, फिर चौबे जी के पास चले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपमान से ना जोड़ा जाए उसको, पर्चा खारिज नहीं, वो झाड़फूक को भी कह रहे हैं, झाड़फूक करवाएंगे क्या आप लोग? नहीं नहीं, झाड़फूक नहीं करवाएंगे, नहीं आप लोग राजभर जी की तो करवा रहे थे। सीधे सीधे से
हाँ, नहीं नहीं राजभर जी साहब तो हैं, मतलब थोड़ा ट्रैक से भटके हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, कोई दो राय तारिक जी हम जाते हैं तो भटके हुए हैं, माननीय शिवपाल जी जाते हैं भटके हुए हैं, जो आपको सही राय दे वो भटका हुआ है, और जो आपके लोग जाते हैं वो भटके हुए नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा, इसकी झाड़फूक करा रहे हैं कि शिवपाल जी जा रहे हैं तो भटके हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं तो भटके हुए हैं, आपके नेता जा रहे हैं तो वो भटके, चलिए सुन लीजिए पहले उसका जवाब, सुन लीजिए पहले उसका जवाब, सुन लीजिए सही चीजें समाजवादी पार्टी सुरक्षा ले, आप गए थे अमित शाह से दिल्ली, हम खुला पर्चा लेके गए थे कार्यकर्ताओं के लिए, आप गए थे अमित शाह साहब को अपना वोट देने और ये बात कहने कि हमको उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा, क्या एमएलसी बना देंगे, क्या लड़के को मंत्री बना देंगे, आप गए थे, ये बताइए ना, जब आपको वोट की जरूरत ही नहीं थी, बात करने आपको वोट देने के लिए हम तैयार थे, बैठकों में बुलाने का काम आपने नहीं किया, माननीय अशोक जी आए, आपने वोट मांगने का काम नहीं किया, तो तारिक भाई ये बताइए कि गलती हमारी है, जिसने वोट मांगा हमने वोट देने का काम किया, और रही बात सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने जब गाजीपुर में हमला होने का काम किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने ही सबसे पहले सुरक्षा की मांग की, माननीय प्रधानमंत्री को सुरक्षा दी जाए, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए पहले, जवाब तो लीजिए, बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान में अक्रॉस द पार्टी लाइन वोटिंग की है मुर्मू जी के लिए, और मैंने कहा कि उनका हृदय की गहराइयों से सम्मान है, सबको बुलाने गए थे क्या भारतीय जनता पार्टी वाले, आप परेशान थे, आप व्याकुल थे एकदम एकदम कि बुला ले हमको, बस अमित शाह साहब के पास पहुंच गए, और जब गए थे अमित शाह साहब के पास तो वर्गीकरण की ओबीसी की बात की थी या नहीं की थी, हम उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हैं, पिछड़े समाज, राजभर समाज, हरकंसी समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, बारी समाज, इन समाज को खाई थी पूरी सब्जी खाई थी तो ये सब भी बात कर लेते ना, मैं पूछ रहा हूँ पूरी के साथ, आपको नहीं पता है क्योंकि आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप पिछड़े की लड़ाई ही नहीं लड़ना चाहते हैं, आपको इसलिए नहीं पता है, पिछले आंकड़े की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अरे भाई आप बताइए ना, आपकी सरकार रही तो इन अति पिछड़े समाज को हिस्सेदारी क्यों नहीं आपने देने का काम किया, आज जो अगर आपने देने का काम किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी से मांग कर, यही योगी आदित्यनाथ मऊ से बोला गया कि योगी साहब मेरी हत्या कराना चाहते हैं, यही राजभर साहब ने कहा और कहा कि दुनिया का एक नंबर के झूठ बोलने वाले मोदी साहब और उसके बाद योगी साहब, अरे कैसे हृदय परिवर्तन होता है आपका दो चार महीने के अंदर, अरे तो वो हृदय को समझना चाहता हूं, कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, आपके साथ में बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या क्या ना कहा गया, मगर आपका भी तो हृदय परिवर्तन हुआ ना, ठीक है प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है तारिक भाई मैं आऊंगा अभी आपके पास, चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी से, चौबे जी दो सवाल है, पहला तो ये कि तारिक खान और समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि आपकी पुलिस उत्पीड़न कर रही है, पुलिस पे भरोसा नहीं है उनको, क्यों भरोसा नहीं है जवाब दीजिएगा, और दूसरा एक पर्चा खारिज हो गया अखिलेश यादव उसमें प्रस्तावक थे, जी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव और बिना किसी जातवाद, बिना किसी क्षेत्रवाद के चल रही है, यहाँ पर अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, इसके चाहे क्षेत्र का हो, वो अपना पराया नहीं, अपराधियों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाता है, और अपराधी का एक ही है उपाय, वो है उसके ऊपर दंड, और उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वो पश्चिम क्षेत्र देख लीजिए या अथवा फिर आप पूरब का क्षेत्र गाजीपुर देख लीजिए, आप देख रहे होंगे अपराधी कितने भयभीत हैं, वो स्वयं तख्ती लेकर पहुंचते हैं, अभी दो दिन पहले गाजीपुर में भी स्वयं कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, यानी कि जो सरकार का भय अपराधियों में होना चाहिए वो आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, और रही बात अभी नामांकन वाली, नहीं तो इनको पुलिस पे भरोसा क्यों, अरे नहीं इनको पर भरोसा नहीं होगा ना, क्योंकि ये उस तरह ये पुलिस को समझते क्या थे, ये पुलिस को तो भैंस पकड़ने वाला, बकरी पकड़ने वाला, अपराधियों की जगह भैंस के पीछे और बकरियों को ढूंढने में लगा देते थे, तो ये पुलिस को क्या समझेंगे, इनको गंभीर मत लीजिए, और रही बात देखिए इनके नेतृत्व की, जो ये पर्चा खारिज हुआ है वो आपको क्या लगता है ये कोई छोटी मोटी बात है, जिस पे जिस पार्टी के मुखिया हो, जो प्रदेश के पूर्व मुखिया रहे हों,
जो उस दल के सेनापति हूं, उस सेनापति को यही नहीं पता कि मेरा सैनिक कैसा है, चोटिल है या वो लड़ने लायक है कि नहीं है, और उसको मैदान में ऐसे ला देंगे आप। और आप ये देखिए 11 लोग, उसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इनके हैं, उसमें पूर्व मंत्री भी हैं, मतलब आप ये समझिए ये कितना सोचनीय विषय है और गंभीर विषय है कि इन्होंने फाइल कैसे साइन किया होगा। जब ये प्रस्तावक बने तो इन्होंने सिग्नेचर हस्ताक्षर किया होगा, तो समझिए कि इन्होंने 5 साल सरकार कैसे चलाई होगी, किस प्रकार अपराधियों को, खनन माफियाओं को इन्होंने संरक्षण बिना देखे आंख पढ़े इन्होंने साइन किया होगा। और आप इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये चुनाव को, दूसरा पक्ष ये भी है कि चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते। अभी इससे पहले आजमगढ़ में भी देखिए, ये बहुत सम्मान की बात कर रहे हैं ना, दलित पिछड़ों आदिवासियों की, इससे पहले इन्होंने एक दलित को आजमगढ़ में टिकट दिया था, रातों रात उसका अपमान किया, टिकट काट दिया और अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाया। और उस परिवारवाद में भी देखिए इनका घमंड कि स्वयं नहीं गए, सेनापति आगे बढ़कर मोर्चा संभालता है। ये इतने ओम प्रकाश राजभर जी, इनके सहयोगी, वो बार बार कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से निकलो बाहर, आओ मैदान में अपने प्रचार करो, लेकिन ये तब भी नहीं, इनका इतना अहंकार कि हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे। अच्छा, आपके यही बयानों की वजह से वो कहते हैं कि शिवपाल जी और ओम प्रकाश राजभर जी आपकी बात बोलते हैं? अरे भाई, जो इनके सुनिए, जो इनलिए तो उसको घोषित, अभी आप हमारे पक्ष में एक भी हमारी सरकार की उपलब्धि बता दो जो सच है, अगर उसको भी अगर आप बोल दोगे तो ये तुरंत आपको घोषित कर देंगे ये भाजपा के एजेंट है। तो ये अपना तो कर्म करेंगे नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठेंगे और पता नहीं कौन कौन से सलाहकार इन्होंने बना रखे हैं, इनको भी ज्ञान नहीं। जैसे कहते नहीं, एक कहावत है कि कौन सा राजा, इनके ऊपर ही पूरा लागू है। ठीक है, तारिक खान जवाब दीजिए, क्या कह रहे थे? देखिए, अभी इन्होंने माफिया की बात की, माफिया तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये चुलबुल सिंह, सुशील सिंह है ना, और ये लोग, ये लोग ब्रिजेश साहब, ये लोग कौन है? अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जहां पर प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्युएंसी थी, वहीं पे बीजेपी को, बीजेपी के कैंडिडेट को एमएलसी चुनाव में 146 वोट कैसे मिले? तो ये भी तो माफिया है, आप ही के प्रायोजित है, उन्हीं के भाई के बेटे आप ही की पार्टी से विधायक है, तो अभी कोई वजह नहीं है, उनके खिलाफ भी कई आपराधिक और मुकदमे है, कई वो मुकदमे है। आपने पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया और प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए, जानबूझ के हारे, क्योंकि लोकल बॉडी में क्या प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री का ही प्रभाव नहीं है? अरे जीत का बताएंगे, प्रधानमंत्री का प्रभाव पूरे भारत में बढ़ता जा रहा है। अभी तुरंत, अभी 6 महीना पहले आपको परिणाम मिल चुका है वाराणसी में, अभी संदेह है क्या? अभी भी आप ये नहीं मान रहे कि आप लोग हारे हुए हैं, यही घमंड आप लोगों को डुबो रहा है कि आप लोग सच का सामना नहीं करना चाहते हो, आप लोग जमीन पर दाखला तो नहीं चाहते हो, सिर्फ जाते हो सोशल मीडिया तो पर ट्वीट कर देते हो, या फिर वहां से एक कैमरे पर एक बयान जारी कर देते हो। अरे जमीन पे आइए, तो लोगों से मिलिए, उनका दर्द के साथ उनके साथ लगे रहिए। पहले जवाब सुन लीजिए। अब देखिए, घमंड तो उन लोगों को आ गया जिनके एक जमाने में 2 सीटें हुआ करती। अरे तो हम आज अरे हम तो नीचे से ऊपर, और हम अपना विचारधारा नहीं, सुन लीजिए, अगर आप दो की बात कही है, आप सत्ता में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही बोलेंगे। नहीं, बोल लीजिए, फिर हम बोल रहे हैं, बोल लीजिए, विपक्ष को भी बोलने का अधिकार। नहीं, बिल्कुल, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते, बिल्कुल बोलिए आप। तो सत्ता पक्ष ही बोल ले, फिर विपक्ष चुप रहेगा? नहीं, बोलिए आप, बोलिए, बात पूरी कीजिए जल्दी से। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, मैं ये अटॉर्नी पावर दे दूंगा सत्ता पक्ष। देखिए, हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं और लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको देते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ लोकतंत्र सबको मानना चाहिए भाई, आपकी और मेरी बात नहीं है। देखिए, और जब तक हम लोग एक एक करके बात नहीं करेंगे तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, बोलिए तारिक, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाऊँ? आप कह दिए भाई साहब, आप चुप हो जाइए, मैं अपनी बात कह लूँ। नहीं तारिक भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो ब्रिजेश सिंह वगैरह है, ये भी आप ही के पार्टी के जुड़े हुए और आप ही ने उनको एमएलसी जिताया था। आपके पार्टी का कैंडिडेट 120 या 140 वोट पाया था, तीसरे नंबर पे था, समाजवादी दूसरे नंबर पे। खैर चलिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वक्त जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है लोकतंत्र में। जनता जनार्दन है, जनता जो बात कहे कि हम उसको मानेंगे।
जनता ने कह दिया आपको सत्ता में नहीं रहना, आपको विपक्ष में बैठना है, हम बैठ गए विपक्ष में। हम ये भी मान रहे हैं कि हम लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। हमने उसके आत्ममंथन आत्मचिंतन भी किया है, आपको पता होगा हमने विधानसभा वाइज मीटिंग की है जिला अध्यक्ष और बूथ के एक एक प्रभारी को बुलाकर कि हार की वजह क्या है। यही हार की वजह निकालने के लिए हमने रामपुर और आजमगढ़ के भी आसपास के जिले के लोगों को बुलाया था और एक महीना लगाए थे जिला अध्यक्षों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। नहीं तो आपके साथी क्यों कहते हैं कि हार की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं? देखिए देखिए मैं तो फिर कह रहा हूं कि क्या जब बनारस होते हुए हवाई जहाज से गए थे तो क्या 50 लोग अखिलेश यादव साहब के मुंह पे एसी लगाए हुए थे? हर नेता जो जनता के बीच में जाता है उसको एसी, मतलब बड़ी मुझे ये चाइल्डिश बचकानी बात लगती है। निकलता है वो, आप उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, मगर अपनी अपने काम वो करता है। अभी जो पार्टी मीटिंग की जो समीक्षा हुई वो कौन कर रहा है? अखिलेश यादव साहब खुद कर रहे हैं। लोगों से उन्होंने पूछा भी, फीडबैक भी लिया कि हार की वजह क्या है। एक पैतृक वोटर जो हमारा वोटर बनता रहा है आजमगढ़ में, उसने हमको वोट नहीं दिया। पूछ रहे हैं आजमगढ़ क्यों नहीं गए, रामपुर आजमगढ़। देखिए इस पे हम लोग कई बार नितिन भाई डिस्कस कर, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा बोल कह रहा हूँ। क्या आप एक बार कह दू क्या आप सब लोग गारंटी लेंगे कि अखिलेश यादव साहब चले जाते तो जीत जाते हैं? अरे ये तो हो सकता है, ठीक है, किसी के जाने ना जाने से ये बात नहीं होती। एक लाख कुछ कह रहे हैं, हाँ एक लाख। देखिए तारिक भाई, पिछली बार भी हम लोग बैठे थे, बहुत आवाजें बुलंद थी इनकी कि मुख्यमंत्री से मिलने गए, सबसे ज्यादा सवाल इन्होंने उठाया था और बहुत तेज हंसे थे, आपने टोका भी था शायद, तो इन्होंने हंसते हुए टाला था उस बात को कि नहीं अब ये तो बीजेपी गोद में जाके बैठ गए हैं। और इन्होंने एक बात कही कि सवाल कौन उठा रहा है, इन्होंने आदरणीय शिवपाल साहब का नाम लिया, तो आदरणीय शिवपाल साहब वो व्यक्ति है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने कदमों से नापा है, ये बात शायद ये भूल गए होंगे। नहीं तो और नेताजी की समीक्षा बैठक, नहीं मैं बता रहा हूँ, नेताजी और जनेश्वर जी के विचारों को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को सबसे मजबूत दल बनाने का काम भी किया था। और आज समाजवादी पार्टी क्या है ये शायद तारिक भाई भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और समाजवादी पार्टी भी जानती है। और रही बात देखिए पर्चा इन्होंने का जो निरस्त हुआ, आदरणीय अखिलेश साहब कहते हैं कि 22 साल का उनका तजुर्बा है राजनीति का, मैं उनपे कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। उनके पास जो उनके नवरत्न है, जवानी कुर्बान करने वाली गैंग है, वो आदरणीय अखिलेश साहब इतना भरोसा उनपे करे हैं कि 5 चुनाव हारने के बाद भी भरोसा नहीं टूट रहा है। और कोई भी पेपर वो होता है तो उसपे वो साइन कर देते हैं बिना देखे। मुझे तो संदेह इस बात पे है नितिन भाई कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी किसी दिन अपने साइन कर देंगे, उनको पता नहीं चलेगा, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। बड़ी बात बोल रही है भाई, हमारे हर बात पे हमारी कटाक्ष किया। मैं आऊंगा अच्छा लगता है, मैं इकट्ठा आऊंगा। सुनील अर्कवंशी जी, हेल्दी डिबेट ऐसे ही होना। तारिक भाई मैं आऊंगा, सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, ये तारिक खान कह रहे हैं कि एसी वाला बयान बचकाना था, कहने का ढंग कुछ और भी हो सकता था। अखिलेश यादव देखिए लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार वो बूथ की बैठकें कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्यों हार गए थे। जी जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना नितिन जी, किस तरीके से आप बचकाना इसको ले रहे हैं, बचकाना लेना ही आपको सही राय लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको बचकाना ही बताएंगे। अच्छा आज क्या जरूरत पड़ रही है गाजीपुर से जो है बलिया निकलने की जे। आज भी आप निकलने की जरूरत क्यों सोचे? इसलिए सोचे क्योंकि नेता मानी श्री ओम प्रकाश राजभर जी का प्लान था ये। कहा था उन्होंने कि हमको 2024 जीतना है। अच्छा। हम 22 आपके साथ लड़े, किसी भी तरीके से हम नंबर नहीं पा पाए पूरे, तो कम से कम 24 के लिए तो हमें निकलना पड़ेगा ना। तो वो अब आज उनको क्यों जरूरत पड़ रही निकलने की? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये प्लान नेताजी का दिया हुआ है। अच्छा। और जो अगर आज निकले होते तो शायद हम वाकई में जो उपचुनाव हुआ था इसको जीतने का काम गारंटी से कर सकते थे, मगर निकलने की जरूरत नहीं समझी। अब आप उसको बचकाना कह रहे हैं भाई, अब आप एसी की बात को बचकाना कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ना कि कितना गंभीर है आपके नेता और आपके पार्टी के पदाधिकारी लोग। अच्छी राय को मानना चाहिए, मगर उनको अच्छी राय समझ में नहीं आई, उनको अच्छी राय गलत लगी। क्यों इसलिए गलत लगी? क्योंकि नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं और विपक्ष नहीं चाहता है कि ये लड़ाई लड़ी जाए। सच्चाई है। तारिक खान आप लोग की हालत इतनी खराब है कि आप लोग दूसरे के प्लान पर काम कर रहे हैं।
नहीं ऐसा नहीं है। अरे मैं तो कह रहा हूँ सच्चाई यही है, कहीं ये जो मेंबरशिप वाला इस प्रोग्राम चल रहा है ये भी तो राजभर साहब ने नहीं बताया था, सदस्यता अभियान पूछ लू मैंने कहा बता दीजिए। राजभर अगर राजभर या शिवपाल साहब ने बताया होता तो ये पर्चा बाउंस ना होता आपका। अच्छा नहीं नहीं मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, देखिए पर्चा पर्चा बाउंस वाला मुद्दा तो है, जब जब समाजवादी के लोगों ने, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आपके साथ भी वही हाल होगा जैसे हमारे साथ और माननीय शिवपाल जी के साथ हुआ, क्योंकि आप जब सच्चाई बोलोगे ना तो समाजवादी पार्टी के लोग आपकी सच्चाई को सुनने के तैयार नहीं होंगे। तारिक खान आज हर कुछ में बोल बोल के निकलना चाह रहे हैं, बस वो किसी भी तरह से सोच रहे हैं कोई मुझे पतली गली मिल जाए मैं निकल जाऊं किसी तरह से। मुस्कुराते ऐसा नहीं है, देखिए हर दिन आता है किसी का फंसने वाला, किसी दिन हमारा आता है, किसी दिन किसी और का आता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम आप कहीं आप ही लोगों ने तो ये नहीं बताया था राजभर साहब ने, जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है तो हम लोग शुक्रिया अदा करते राजभर साहब को उसके लिए भी भाई कि आपने सदस्यता अभियान चला दिया, वरना तो हम लोग इसकी जानकारी जुटाने का काम करें तारिक भाई। तो हो सकता है ये जो गाजीपुर का प्लान है वो बिल्कुल सत्य वैसे, है वैसे, वैसे, मेरे पास, है। वैसे मेरे पास एक जानकारी है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी से मेरी जब कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी जब गठबंधन में थे वो, तो वो कह रहे थे कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो घर घर जा रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चुनाव खत्म हुआ, जैसे 2022 का चुनाव खत्म हुआ उसके तुरंत हम लोगों ने मीटिंगें शुरू कर दी और लगातार आज भी हमारी मीटिंगें जारी है, आज भी हमारा सदस्यता अभियान उसी दिन से चल रहा है, लगातार हमारे नेताजी उस दिन से कर रहे हैं। नितिन भाई मैं इसको जवाब दे दूं, मैं बेहतर जवाब दूं, बोलिए। देखिए राजभर साहब का ऐसा करने का वजह यह है क्योंकि वो बीएसपी से जुड़े हुए हैं, देखिए बीएसपी से काम करने का तरीका ही यही है। बीएसपी हमेशा बड़ा कैडराइज किस्म की पार्टी थी और वो जिलाध्यक्ष भी रहे बीएसपी, इसलिए उनका ये काम करने का तरीका जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी का भी वही काम करने का तरीका, समाजवादी का अपना तरीका है, समाजवादी वो अपना तरीका अपना रही है। पर्चे देखिए मैंने फिर चौबे जी कह रहे हैं कि आपका तरीका दो अहम मुद्दे हैं समाजवादी के सामने। नहीं चौबे जी कह रहे हैं आपका दो बातें तो सुन लीजिए, चौबे जी कह रहे हैं आपका तरीका एसी वाला है, एसी रूम में एसी वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, एसी वाला है या नहीं है, लेकिन दो अहम मुद्दे है समाजवादी पार्टी के सामने। एक तो जो क्रॉस वोटिंग हुई कौन लोग थे और ये पर्चा खारिज हुआ इसकी वजह क्या थी, ये जरूर पता लगाने की बात है और हम लोग खुद इसकी कोशिश करेंगे कि पता लगाई जाए, लेकिन इसके पीछे कहीं अपमान करना क्रॉस क्यों हुआ इस पे चर्चा करिए ना, पिछले वक्त से महिला को लाकर उसका जी कह रहे हैं क्रॉस किसने किया पता कराया आप लोगों ने, क्रॉस क्यों किया और या उत्तर मिल जाएगा। क्रॉस देखिए मैंने खुद आपको मुद्दा दे दिया क्रॉस वोटिंग की बात करके, अब मैं ना करता, देखिए उसके उसके लिए बाकायदा अखिलेश यादव साहब ने खुद कहा है कि अगर ऐसा हुआ है ये गलत हुआ है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक्शन देखिए तानाशाही वाली बात, तो इसलिए मैं कह रहा हूं देखिए ये तानाशाही वाली बात हुई, एक्शन तानाशाही लिया जाता है, क्यों हुआ भाई आप क्यों आपसे वो नाराज है, वो आपकी बात आप उनकी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो ये भी तो हो सकता है, आप सिर्फ एक्शन लेने की बात करते और ये तानाशाही वाली भाषा है कि एक्शन लेंगे। नहीं नहीं देखिए ये तो रिजर्व समाजवादी पार्टी का राइट है ना, और ऐसा मैंने देखा है कि जो प्रेसिडेंट चुनाव में व्हिप नहीं जारी होता है तो भाई, लेकिन फिर भी पार्टियां करती हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आजम खान साहब से जब पूछा गया क्रॉस वोटिंग के बारे में तो आजम खान मुझसे भी बार बार यही बताया गया कि व्हिप नहीं जारी होता है, आजम खान साहब ने कहा हर बार जारी हुआ, भाजपा ने भी किया सबने किया, ऐसी सिर्फ प्रथा है लेकिन सब लोग करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हुआ ये दो चीजें हैं समाजवादी के लिए मेन पे नहीं जा रहे, इधर उधर निकलना चाह रहे हैं बस किसी भी तरह से, अपनी कमियों पे चर्चा नहीं करेंगे। अरे भाई चर्चा करिए, आप लोग हेल्प आउट कर दीजिए, मैंने कहा नौ रत्नों और जवानी कुर्बान गैंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए वरना कल को
अखिलेश जी इस्तीफा भी दे सकते हैं, या आप देख लीजिएगा तारिक भाई आपकी पार्टी का विषय। आप भी जानते हैं सबसे बड़े कौन है जिन्होंने पार्टी और परिवार को भी तोड़ दिया, ये तो आप भी जानते हैं, आप ही बता दीजिए भाई। समाजवादी पार्टी से आप हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और परिवार पूरा खत्म कर दिया। भाई सुधार के लिए अपने अंदर खुद ही तय करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं बताता है। और एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा नितिन भाई कि ये होती है असली समाजवादी। आप देखिए थोड़ा गौर करिएगा किस तरीके से आदरणीय नेताजी खुद छाता पकड़ के जाते थे लोगों के बीच में, ये असली समाजवादियों का काम करने का ढंग था। क्या भूल गए हैं ये सब समाजवादी कैसे काम किया जाता है? आज तो केवल बैठ के बड़े बड़े भाषण दे के नीली चिड़िया ट्विटर उस पर ट्वीट करने से राजनीति नहीं होती है। कई बार हमारे नेता श्री शिवपाल साहब ने सिखाइए हर कोई अखिलेश यादव भाई उनके नेता हमारे नेता ने जब अब क्या मैं बोलूं आदरणीय अखिलेश यादव साहब को चलना सिखाया है तो फिर राजनीति करना भी वो सिखा सकते हैं। वो उनके चाचा रह चुके हैं, चाचा हैं। अब वो अखिलेश जी ना माने तो कोई बात नहीं है, इनकी पार्टी नहीं माने। कोई आप लोगों को सलाह क्यों देने लग जाता है, क्या कारण है? अब भाई देखिए मैं तो सलाह को पॉजिटिवली लेता हूँ, वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे इनको चिंता कितनी है, सबको समाजवादी पार्टी की चिंता है, भाजपा को चिंता है, मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है भाई। हाँ हाँ आपको जरूरत है, मैं जानता हूँ कितनी जरूरत है आपको, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा को कितनी ज्यादा चिंता है, मेरा दिल भर आता है एकदम, जी, मेरा मन करता है मैं रोने लगूं। अरे कुछ भी हो भाई, हम लोग जब सुभाषपा चिंता करती है तो मेरा दिल और भर आता है। हम लोग सुभाषपा से क्या दिक्कत है आपको? मैं कह रहा हूँ इन लोग की चिंता मुझे अच्छी लगती है कि भाजपा भी कहती है कि अरे अखिलेश यादव निकल नहीं रहे बाहर और इस वजह से समाजवादी पार्टी नीचे जा रही है। अरे भाई समाजवादी पार्टी नीचे जा रही है, फायदा तो आप ही को मिल रहा है, मगर आप चिंतित है लोकतंत्र के तो लिए। इन बातों पे मुझे रोना आ जाता है। हम लोग लोकतंत्र के लिए चिंतित है कि लोकतंत्र में विपक्ष पक्ष और विपक्ष दो होता, दो पहिया होता है। अरे तो दोपहिया मजबूत होना चाहिए, करने दीजिए। लेकिन इनको नेताजी की भी कितनी चिंता है, भारतीय जनता पार्टी को नेताजी से कितना प्यार है कि वो उबल उबल के बाहर आता है। नहीं देखिए वही प्यार जो कहता था हो जाती है, होना चाहिए। देखिए हमारे आपके विचारधाराएं अलग हो सकती है लेकिन किसी के प्रति प्रेम स्नेह और आदर देना, देखिए हमेशा जो है आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं हालचाल लेने के लिए नेताजी का, या हमारे अन्य नेता भी, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हालचाल लिया करते हैं, तो ये तो अलग, हमारी आपकी लड़ाई विचारधारा की हो सकती है, बाकी सम्मान में किसी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं मेरा यहाँ पर पॉइंट अलग है, जो थोड़ा सा एक्टिवनेस कम कर देता है, जिसकी जैसे नेताजी हैं थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका गड़बड़ रहता है, आप लोग उसकी तारीफ करने लगते हो, तुरंत तारीफ करने लगते हो। वही मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम थे, कार सेवकों पे गोली चलाया, दुनिया भर की बुराइयां थी उनके अंदर। अरे तो वो तो राजनीतिक रहेगा, गलती हो जाती है। आज भी लड़ाई हमारे आप से है, भारतीय जनता पार्टी ने गली गली बजाया। देखिए तारिक भाई आज भी हमारी लड़ाई आप लोगों से उस मुद्दे पर, विचारधारा के मुद्दे पर है और वहाँ डट के खड़े हैं। मेरी बात समझिए, यही तो नेताजी के लिए जब आपके मन में प्यार आ जाता है बस मुझे रोना आने लगता है कि अब मैं रोने लगू, इतनी मोहब्बत नेताजी से, जिनको बताया कि आप लोगों ने उस बात को इतना प्रचारित किया, उसके रेफरेंस टू संदर्भ प्रसंग को बगैर देखे बिना। ठीक है तारिक भाई, अच्छे हैं गलती हो जाती है। ठीक है चलिए, अब नेताजी की चिंता हो रही है आप लोग। ठीक है धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक उठापटक है वो अभी भी जारी है। सबने सोचा था कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता आ जाएगी, सरकार सही तरीके से काम करेगी। हालांकि सरकार सही तरीके से काम कर रही है, कभी कभी सरकार के कुछ नेता मंत्री नाराज जरूर हो जा रहे हैं या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर कुछ घोटाले गड़बड़ घोटाले नजर आ रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष में भी सब कुछ ठीक नहीं है, गठबंधन टूट चुका है और अब उनके ही घर के जो नेता हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। फिलहाल ये लड़ाई कहां पर जाएगी, किस ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी, ये देखना है। मैं आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्ते, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।